हेलो गाइज, हम लोग 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ओके गाइज, देखिए ये 11th में भी टॉपिक है, साथ में 12th में भी टॉपिक है और आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। थोड़ा सा आप लोग 10th में भी ज्यादा नहीं पढ़े होंगे। तो गाय यहां से देखिए, ये ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है इसका यूज आपको फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा होता है और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है जैसे कैलकुलस हो गया, उसके बाद अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सभी चैप्टर में इसके फॉर्मूले का यूज और इसके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट चैप्टर में हम यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री कहते किसको है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसके अंदर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो सारे हम चैप्टर डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। देखो गाय, ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। किसका किसका गाय, बोर्ड पे ध्यान देना, किसका किसका है बोलो ना। ट्रिगोन, देखो यहाँ पे ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ओके गाय, तो ट्रिगोन का मीनिंग क्या होता है गाय, ट्राइंगल। ट्रिगोन का मीनिंग क्या होता है, ट्राइंगल। और मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है गाइज, मेजरमेंट, राइट ना, क्या होता है, मेजरमेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है तो बोलिएगा एक ग्रीक वर्ड है। किसका किसका, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ओके, ट्रिगोन का मीनिंग क्या होता है गाइज, ट्राइंगल। मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। तो अब अगर हम इसका डिफिनीशन देखें, डिफिनीशन, तो डिफिनीशन क्या होता है तो बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच मेजर, देखो यहाँ पे विच मेजर साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सुनिए कितना अच्छा डिफिनेशन है। कहता क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स का क्या है, ब्रांच है, जिसके अंदर में ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ओके, देखिए एकदम सिंपल डिफिनेशन है, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है गाइज, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ओके, तो ट्रायंगल का साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो देखिए फिर से मैं एक बार आपको क्लियर करूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। किसका किसका, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन का मीनिंग क्या होता है, ट्रायंगल। मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। ओके, तो डिफिनीशन, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक मैथमेटिक्स का शाखा है। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा। मैथमेटिक्स का एक शाखा है जिसके अंदर में हम ट्रायंगल का साइड्स और एंगल्स का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ओके गाइस, तो ये बात क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय एंगल। अब देखिए एक छोटा सा डिफिनेशन होता है एंगल, एंगल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ये देखिएगा, ये एक हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल रे या फिर इनिशियल लाइन, कुछ भी बोलिए। अब देखिए इस इनिशियल रे के टोटल दो इंड पॉइंट है, एक का नाम ओ है, दूसरे का नाम ए है। इस इनिशियल रे के टोटल कितने इन पॉइंट है, दो, एक ओ हो गया दूसरा ए हो गया। अब देखो गाइस, अब कहता क्या है कि ये जो इनिशियल रे है, ये इनिशियल रे इस इंड के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये देखिए, या तो इस तरह से रोटेट करेगा या फिर इस तरह से रोटेट करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि इनिशियल रे रोटेट करके यहां पहुंच गया। ओके गाइस, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये इनिशियल रे क्या किया, रोटेट किया, रोटेट करके पहुंच गया यहाँ पे, इसे बोलते हैं फाइनल रे या टर्मिनल रे। देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं टर्मिनल रे, गाइस बोर्ड पे ध्यान देना, टर्मिनल रे। अब देखिए यहाँ पे अब कहता क्या है कि ये इनिशियल रे रोटेट करके पहुंच गया यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन,
अमाउंट ऑफ रोटेशन, और जितना अमाउंट रोटेट किया यही क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। सुनिए तो कहता क्या है कि व्हेन इनिशियल रे रोटेट अबाउट इट्स एनी एंड देन अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। अब देखिए ये तो इनिशियल रे चाहे इधर से इधर जाएगा या फिर इधर से इधर जाएगा, इधर से भी रोटेट कर सकता है ना, जैसे इधर से रोटेट किया इधर से भी कर सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, ये इधर से इस तरह से भी रोटेट कर सकता है, कैसा भी कर सकता है। तो जितना रोटेट करेगा, जितना अमाउंट रोटेट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, इस तरह से व्हेन इनिशियल रे या इनिशियल आर्म, सुनिए व्हेन इनिशियल रे रोटेट अबाउट इट्स एनी एंड, अबाउट इट्स एनी एंड देन अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। जितना अमाउंट रोटेट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ओके गाइस, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? तो देखो गाइस, एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो रूल है। पहला वो देखेगा, यहां पे देखेगा ये हमारे पास इनिशियल रे है, इनिशियल रे रोटेट करके पहुंच गया यहां पे। तो देखिएगा ये जो रोटेशन हुआ, इस रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दूसरा गाइस देखिएगा, ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये रोटेट करके पहुंच गया यहां पे, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये ओ हो गया ए, दिस इज कॉल्ड इनिशियल रे, राइट ना। अब इनिशियल रे रोटेट करके पहुंच गया यहां पे, तो गाइस ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इनिशियल रे। देखो यहां पे इनिशियल रे, और ये आपका हो गया टर्मिनल रे, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब ये अमाउंट ऑफ रोटेशन इनिशियल रे, और ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल रे, राइट ना। तो देखिए कहता क्या है कि ये इनिशियल रे रोटेट करके पहुंचा यहाँ पे टर्मिनल रे पे, ये इनिशियल रे रोटेट करके पहुंचा टर्मिनल रे पे। गाइज ये आपका जो रोटेशन है इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और ये जो रोटेशन है इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल लेना है टेकन एज पॉजिटिव। क्या लेना है? पॉजिटिव। और अगर आपका इनिशियल रे यानी रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होता है तो एंगल टेकन एज क्या लेना है, निगेटिव। बराबर है? तो एक बात याद रखिएगा कि एंगल का मेजरमेंट टोटल दो तरह से कर सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो एंगल टेकन एज क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ओके, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो एंगल टेकन एज निगेटिव। ओके गाइज, तो ये दो बात याद रखिएगा। ओके चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मेजरिंग सिस्टम। देखो यहां पे मेजरिंग सिस्टम, ओके गाइस, देखो यहां पे तीन टाइप के मेजरिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले का नाम है सेक्सा जेसिमल सिस्टम। नंबर टू का नाम है सर्कुलर सिस्टम। नंबर थर्ड का नाम है सेंटेसिमल सिस्टम। ओके गाइस,
देखो यहाँ पे तीन टाइप के हम मेजरिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझिएगा। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम यूज इन अ ट्रिगोनोमेट्री। पहले का नाम है सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरे का नाम है सर्कुलर सिस्टम और तीसरे का नाम है सेंटेशनल सिस्टम। देखिए एक्चुअली में इसको और हम बोलते हैं डिग्री, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं रेडियन, देखो गाइस इसको बोलते हैं रेडियन और इसको बोलते हैं ग्रेड, राइट ना, ग्रेड याद रखिएगा गाइस। यहाँ पे देखिएगा सेक्सागेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और सेंटेशनल सिस्टम। ओके, सेक्सागेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और सेंटेशनल सिस्टम, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम यूज्ड इन अ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, पहले का नाम क्या है सेक्सागेसिमल सिस्टम, उसको और क्या बोलते हैं डिग्री। दूसरे का नाम है सर्कुलर सिस्टम, उसको और क्या बोलते हैं रेडियन। और तीसरे का नाम है सेंटेशनल सिस्टम, उसे और क्या बोलते हैं ग्रेड। ओके गाइस, तो अब हम एक एक करके तीनों सिस्टम को हम क्या करेंगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, चलिए देखते हैं अब। तो देखिए यहां पे सबसे पहला आप हेडिंग डालिएगा, सबसे पहला हेडिंग सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम। ओके गाइस, सेक्सागेसिमल सिस्टम, ओके ना, इसको और क्या बोलते हैं डिग्री। तो देखिए इसका अगर आप डिफिनेशन देखेगा तो यहां पे सुन लीजिए, व्हेन राइट एंगल डिवाइड्स 90 इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ध्यान से देखिए, जब राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, ईच पार्ट कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। जैसे देखिए ना, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास सर्कल है, इसको देखिए चार पार्ट में डिवाइड किए तो ईच पार्ट क्या बनेगा, राइट एंगल। अब इस राइट एंगल को कितने पार्ट में, 90 पार्ट में, इस तरह से 90 पार्ट में डिवाइड कीजिए तो ईच पार्ट कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। तो देखिए ये आपका डिग्री का डिफिनेशन हुआ। अगर आपको कोई डिग्री का डिफिनेशन पूछेगा तो आप बताइएगा कि जब राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ओके, तो ये आपका पहला डिफिनेशन हुआ। अब जरा सुनिएगा सेकेंड डिफिनेशन, व्हेन वन डिग्री डिवाइड्स, देखो यहाँ पे डिवाइड्स 60 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। ये आपका मिनट का सिंबल हो गया, राइट ना। कहता क्या है कि जब 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो आपका ईच पार्ट क्या कहलाएगा, 1 मिनट। क्या कहलाएगा गाइस, 1 मिनट। इसी में एक और डिफिनेशन है, व्हेन वन मिनट डिवाइड्स 60 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। क्या कहलाएगा गाइस, 1 सेकेंड। देखिए तो सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर में टोटल कितने डिफिनेशन हम डिस्कशन करेंगे, 3, डिग्री, मिनट, सेकेंड। देखिए राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से क्या मिलता है, 1 डिग्री। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा क्या मिलेगा, 1 मिनट। 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 सेकेंड। क्लियर है। अब देखो गाइस, इसको अगर तुम शॉर्ट में बोलना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री,
और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। याद रखिएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। राइट ना, 1 मिनट में कितना सेकेंड गाइस, 60 सेकेंड। तो शॉर्ट में सेक्सागेशनल सिस्टम को इस तरह से बोल सकते हैं, नहीं तो डिटेल में अगर बोलना होगा तो इस तरह से बोलिएगा कि राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 मिनट, 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 सेकेंड। क्लियर है, शॉर्ट में हम इस तरह से बोलेंगे 1 राइट एंगल में कितना डिग्री, 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। ओके, तो ये कौन सा सिस्टम को फॉलो करता है, सेक्सागेशनल सिस्टम को। ध्यान रखिएगा ये कौन सा सिस्टम हम डिस्कशन कर रहे हैं, सेक्सागेशनल सिस्टम। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कुलर सिस्टम। ओके, चलिए देखिए सेकेंड सिस्टम है जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, देखो समझना बढ़िया से, पहले डिफिनेशन में लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं। व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, देन द एंगल सबटेंड बाई दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। रेडियन का सिंबल सी है, ये होता है रेडियन। सी का मतलब क्या है गाइज, रेडियन। सुनिए ध्यान से, हमने आपको डिफिनेशन में क्या बताया, जब आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, देन द एंगल सबटेंड बाई दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। जरा समझिएगा, मैं डायग्राम बना के आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ये देखिए, ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर ओ है, ये सर्कल का रेडियस है। देखिएगा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए ये सर्कल का रेडियस, ए बी सर्कल का रेडियस, ये हमारा क्या कहलाता है, माइनर आर्क है। ये आपका क्या कहलाता है, माइनर आर्क है। और ये वाला गाइस क्या कहलाता है, मेजर आर्क, यही ना। ये वाला आपका क्या कहलाता है, मेजर आर्क। ओके, तो अब जरा समझिएगा, कहता क्या है कि ये माइनर आर्क की लंबाई अगर सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, सुनिए ध्यान से, ये माइनर आर्क की लंबाई अगर ये सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो इस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है ना, वही तो बोले हैं लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जब देखिए आर्क का मतलब है माइनर, मेजर नहीं, वो बोलेगा अगर मेजर बोलेगा तो बोलेगा, लेकिन यहां पे जैसे ही हम आर्क बोले इसका मतलब कौन सा आर्क लेना है, माइनर आर्क। तो जब माइनर आर्क यानी आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए तो इस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं गाइज, रेडियन बोलते हैं। 1 रेडियन, रेडियन बोलो या 1 रेडियन बोलो, बोथ आर सेम। क्लियर है, तो ध्यान रहे कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, बरोबर है ना। जब आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो उस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन या सिंपल रेडियन। ओके, अब देखेंगे डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन।
नेक्स्ट इन डालो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। गाइस याद रखना, वन डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, याद रहेगा। वन डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर आपके पास एक्स डिग्री है तो एक्स डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई इंटू एक्स कर दीजिएगा डिवाइड बाय 180, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन, याद रहेगा। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, वन डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर हमारे पास एक्स डिग्री है तो एक्स डिग्री में कितना, पाई इंटू एक्स अपॉन 180। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे आपको मैं पूछूंगा कि 40 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 40 डिग्री में कितना रेडियन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन, बराबर है ना। तो अब ये बताइएगा एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई इंटू एक्स अपॉन कितना, 180 रेडियन, राइट। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, 40, तो 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई इंटू 40 अपॉन में कितना, 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, 9। तो 40 डिग्री में कितना रेडियन हो गया गाइस, बताओ यहाँ पे, 2 पाई अपॉन 9, इतना क्या हो जाएगा, रेडियन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 2। अगर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री में पूछा है कि हाउ मेनी रेडियन, तो चलिए ना अब इसका आप डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। बताइएगा एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 30, बराबर है ना, एक्स इज इक्वल टू 30, ओके। तो हम लोग जानते हैं, एज बी नो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एक्स डिग्री में कितना रेडियन, पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कितना, 180। तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई इंटू एक्स का वैल्यू 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 6 है। तो बताइएगा एक्स का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 30, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे देखिएगा 30 डिग्री में कितना रेडियन, पाई अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा, रेडियन, ये आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर है। तो देखिये कितना सिंपल है कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप आराम से इस रिलेशन के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके पहले क्या देखे थे, डिग्री को रेडियन में, तो चलो वो भी देख लेते हैं। सुनो यहां पे 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 अपॉन पाई, राइट। याद रखिएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, इतना क्या होता है गाइस, डिग्री, याद रखिएगा। तो अगर आपके पास एक्स रेडियन है, सुनिए, अगर आपके पास एक्स रेडियन है तो एक्स रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो सिंपल 180 अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, इतना क्या हो जाएगा, डिग्री, ओके। तो ये आपका कन्वर्सन क्या हो गया, रेडियन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में, रेडियन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में, रेडियन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में। तो चलिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास दिया हुआ है पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन में पूछा है हाउ मेनी डिग्री, पाई बाय 4 में कितना डिग्री, तो चलिए इसका एकदम सिंपल सॉल्यूशन करेंगे एकदम आराम से गाइस। पहले लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 अपॉन पाई, इतना क्या हो जाता है, डिग्री। और अगर हमारे पास एक्स रेडियन है तो एक्स रेडियन में 180 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन पाई, इतना क्या हो जाएगा, डिग्री। अब बताइएगा हमारे पास कितना है, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स जगह पे क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4, ये देखिएगा ये पाई पाई कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइएगा, 45, यही ना। तो यहां से बताइएगा पाई बाय 4, बोलिए ना पाई बाय 4 रेडियन में कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना सिंपल है बताइए। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है कोई दिक्कत नहीं, तो इस रिलेशन के द्वारा रेडियन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में, रेडियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में।
आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बता दिया, और रेडियन को डिग्री में, दोनों तरह से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, तो रिलेशन याद रखिएगा। चलिए एक और मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। देखो गाइस यहां पे अगर हम बात करें पाई बाई, देखो यहां पे पाई बाई नाइन में कि पाई बाई नाइन रेडियन में हाउ मेनी डिग्री, तो देखो यहां पे इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो बड़ा आराम से करेंगे। सबसे पहले वन रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है बोलो ना, 180 अपॉन पाई, इतना क्या होता है गाइज डिग्री। तो एक्स रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा डिग्री। तो हमारे पास टोटल कितना रेडियन है, पाई अपॉन नाइन रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू एक्स का वैल्यू कितना पाई अपॉन नाइन, ये क्या हो जाएगा डिग्री। चलो गाइस ये दोनों कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, तो पाई अपॉन नाइन रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री 20 डिग्री, आराम से निकल गया। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, क्लियर अच्छे से। तो अब देखिए आपको मैंने रेडियन से डिग्री बता दिया, डिग्री से रेडियन बता दिया। ओके गाइस तो अब नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, सेंटेसिमल सिस्टम, उसके बाद तीनों में रिलेशन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक अच्छे से कीजिएगा, आज इंट्रोडक्शन में आपको दिया हूं, आगे आगे देखिए आप होता क्या है। ओके।